हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए और परियोजना से वर्ष 2022-2023 तक मिलेगी सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाने वाला पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं कि इस पावर प्लांट से हमें क्या क्या और कैसे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। भोपाल 5 जनवरी मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022 से लेके 2023 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बनने वाला है, जो महज 3,000 करोड़ रुपए तक के बजट में। और इसमें ये भी देखा गया है कि परियोजना से वर्ष 2022 से 2023 तक विद्युत उत्पादन मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस महापावर ग्रिड द्वारा परियोजना क्षेत्र से खंडवा सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन रूट सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के पर्यावरण जो हैं और सामाजिक प्रभाव संबंधित अध्ययन के लिए भी निविदा जारी की जा रही है। और डंग ने कहा कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा परियोजना से 400 मेगावाट विद्युत क्रय किए जाने के लिए सहमति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि परियोजना जो होगी उसमें जो ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पैनल तैरेंगे उसमें। डंग ने हमें ये भी बताया कि अनुमान है कि आगामी 2 साल में इस परियोजना से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि अंत के लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन होगा। सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। बांध का जलस्तर कम ज़्यादा होने पर यह स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। तेज लहरों और बांध का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये एक सोलर पावर प्लांट हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बन रहा है और बजट और बिजली का मैंने आपको बता दिया है। और आपको ये भी पता है कि सोलर पावर प्लांट एक नेचुरली अकरिंग पावर प्लांट है, जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ये बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री है। अभी तक तो आप सोलर के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन सोलर थर्मल भी है और फ्लोटिंग सोलर भी है, जो जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। और राजस्थान एक ऐसा शहर है, पूरा इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहां पे इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका सबसे बड़ा प्लांट अभी फ़िलहाल में बनने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Oh, 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 oh